मेरा नाम सुग्रह ते मैं 9 साल दी हाँ। मैं सवठे ते रहनी हाँ जिहड़ा वड्डे शहर लाहौर दे कोल है। इस शहर विच बच्चे सोने सोने कपड़े पाते वन सवनिया चीज़ा खाते ते वड्डे वड्डे स्कूलों विच पढ़ते ने। सुग्रह कल रात अबे ने मैनू मारिया, पता नहीं उन्ने क्यों मारिया। अम्मा दसदी सी कि उन किसे होर गल ते गुस्सा चढ़िया होया सी ते उत्तों मैं एक बकरी भी गुआ दित्ती। साढ़े कोल ते पैसे ही नहीं है, पर की करा, मेरा भी जी करदा है कि मैं रोज स्कूल जाके पढ़ा लिखा। अम्मा कहती है कि उन्ने मैं मुंडिया वांगर पालिया, पर फिर भी मुंडिया वांगर स्कूल विच नहीं पढ़ सकती। ए पट्ठा की शह है, मैंने इहदे कोलों बड़ा डर लगदा, जिवें कोई वड्डा सारा जिन्न है। इहदे अंदर अग ही अग बलदी है, जिहड़ा अंदर जावे सड़ जांदा है। किन्ने दिन होए एक मुंडा दे कोल गया ते सड़ गया। उन डॉक्टर को लै गए पर वह कदी मुड़ के नहीं आया। लगता कि पट्ठे दे जीन चिमड़ जाते ने। कदे कदे मैनू ही यह लगता कि वह मैं खान आ रहे ने। मैं रात नू भैड़े भैड़े ख्वाब आते ने। दिल करता कि इस पट्ठे तो दूर शहर चली जावा जिथे रात नू डरावनियां छावां नहीं आंदियां। अच फिर लोग इकट्ठे हो गए ने। अब्बा तो मैं सौन ही नहीं देता। अच फिर कोई गल है, मेरा अज कुछ पट्ठे मालक नाल हिसाब किताब होया तो उसने मैनू जहर सद्या। बड़ी गलती की थी। जहर सदन के बावजूद जेड़ा ना कोई मैं गुस्सा आया कि ये सारे आपो भरा रल के इस स्कूल लाना चाहिए। बिल्कुल स्कूल खुल जाए तो उन्होंने तिकर असी इतों पट्ठे तो जाना नहीं जिन्हें चिर स्कूल ना खुले। बिल्कुल ठीक है, स्कूल लगना चाहिए है। और जरूर अज जाके सुबह जाके जनाब पट्ठा महाज मजदूर दफ्तर नाल भी गल करांगा और मालक नूं भी मजबूर करांगे जो सानू बच्चों वास्ते स्कूल दिओ। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने नाले भी पट्ठे मालक ने मजबूर इस तरह करांगे जो असीं उन्नी चिर काम नहीं करांगे जिन्नी चिर स्कूल ना सानू पट्ठा मालक जां महाज वाले स्कूल ना दे। काम भी नहीं करांगे और इत्थे जावांगे भी नहीं, असीं उन्ना चिर जाना भी नहीं जिन्ने चिर असीं स्कूल ना खुलाया जां साडे बच्चे ना पढ़े उन्ने चिर असीं इत्थे जा भी नहीं सकने। बिल्कुल तो मैं बच्चे नूं इस करके मारिया स्कूल जाती सी। कुछ मालक ना झगड़ा आया, कोई एक बकरी उन्हें कोई गवाच गई तो विचों मेरा दिल ये कहता है जी बच्ची जी ना मेरी ये दो बच्चे मेरे पढ़न इन्हों बच्चों दो बच्चिया ने तो इन्हों मैं बड़े शौक ना मुंडा तरह कपड़े पहना के तो रखना तो विचों मेरा दिल यो आता है जे बच्चिया पढ़ जान तो अपने आप न अपने आप नू रशनोई हो जाए इन्होंने समझ लग पे आप कोई कारोबार करने जोगे हो जाए। ठीक है जी, थोड़ा ख्याल ठीक है। इस तरह ही हो सकता है स्कूल पट्ठे तो हो गए तो सारे बच्चे आप भरा जे सारे यो मशवरा मेरा जी इन्ह भरावान के नाल जिन्हें भी है जो स्कूल खुलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, खुलना चाहिए। बिल्कुल मैंने इस पट्ठे की कुछ समझ नहीं आती, ना ही है पिंड है तो ना शहर। दिन में वेखो तो इटा का ढेर, रात वेले दे कोलो डर आंदा। जो मैं राती जिन्हों वेख्या मैं इंज लग्या जिवें मैं खान आ रहे हैं।
मैं एक बकरी गवाती थी सुना, पर राती मैं उस वाले बड़ी खुशी हुई जो अब्बे ने किया कि वो मैं स्कूल भेजना चाहता है। मेरा पियो सब कुछ कर सकता है, मैं पता है मैं स्कूल जाऊंगी। जो मैं अम्मा काम करते हैं देखनी हाँ तो लगता है कि उन घर के कमां वास्ते मेरी लोड़ है। मैं तंग आ गई हूँ, सवेरे सवेरे उठना, वही चाह पीना, झाड़ू मारना, कपड़े धोना। जे मैं स्कूल जान लग पी थे सारा कुछ खत्म हो जाएगा। स्कूल पढ़ने तो बाद मैं वड्डे शहर चली जावांगी जिथे ना झाड़ू देंदे ने तो ना कपड़े धोंदे ने। मैंने बकरियां बड़िया चंगिया लग रही हैं, ऐ ते मेरिया हान है। पता नहीं मेरी वो बकरी कितने चली गई, किसी ने उन वेट दिता या खान आ ले आए। मेरा भी बहुत जी करता है गोश्त खाने, पर मैं इन्हें बकरियां का कदे ना खावा। हूँ तो स्कूल भी ला के आना है, इन्हें बकरियां तो कितने बन भी नहीं सकती कि स्कूल जा सका। यह सारे काम से क्यों नहीं लग जाते, लै हूँ यह सब काम से ला गए ने। यही वेला स्कूल लसन का, यहाँ क्या कर रहे हैं? दौड़ जाए इधर, क्या कर रहे हैं? दौड़ जाए, दौड़ जाए। मोहिनी मैनू छोड़
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੜੇ ਮਾਇਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਅਵਲੜੇ ਜੇਕਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਲੀੜੇ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੱਸਦੀ ਨੱਚਦੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੱਸਦੀ ਨੱਚਦੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਇਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਅਵਲੜੇ ਮਹਿੰਦੀ ਸੁਰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜੁੱਤੀ ਚੁੰਨੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਛਾਵੇਂ ਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਛਾਵੇਂ ਕੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਨੇ ਮੇਲੇ ਕੀ ਨੇ ਮਾਇਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਅਵਲੜੇ ਮੇਰੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਸਹੇਲੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੀ ਤਰੰਜਣ ਕਿੱਕਲੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੀ ਛਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੋਸ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਸਕਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਾਂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਕਾਪੀ ਹੋਏਗੀ। शुक्र है आज मैं कोई बकरी नहीं गवाई। अब्बा दसता सी कि शहर विच चटनी लोकां नूं आप नहीं बनानी पैंदी, हरे उन्हां नूं कुछ भी नहीं करना पैंदा। ये चटनी कितनी लाल है, बिल्कुल लाल पेंसिल वंगर। जे मैं लाल पेंसिल ना मिली तो फिर मैं इस चटनी ना लिखूंगी। सुनिए कि शहर विच लोकी इस चटनी वंगरे रंगा नाल तस्वीरां बनांदे ने। मैं भी स्कूल जाके रंगा नाल तस्वीरां बनाया करूंगी। हुण ते शरीफा का भी ब्याह हो जाना है ते इन्ने दूर चले जाने। शरीफा मन कहती रहती है कि जे मैं स्कूल चली गई तो फिर मैनू दे वंगर नहीं रहना पेगा। मैं स्कूल जाने जाने जाने। मैं तुहानू भरावां नूं इस करके बुलाया ते तुसीं इकट्ठे होए जे। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਭੱਠਾ ਮਹਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਕਰ ਸਕੂਲ ਇਸ ਭੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੱਠੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਭੱਠੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ।
हसदी नचदी रोला पांदी हसदी नचदी रोला पांदी आसमाना विच उड़दी जांदी माए नी मैनू शौक वलेड़े माए नी मैनू शौक वलेड़े शौक वलेड़े।